नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि चाणक्य ने कैसे चंद्रगुप्त एक साधारण से बालक को भारत का सम्राट बना दिया और फिर एक महान योद्धा भी। तो आज उन्हीं की नीति से जानते हैं, जीवन को सफल बनाना है तो हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। आज के समय में अधिकांश लोगों को धन संबंधी सुख पाने के लिए अतिरिक्त श्रम करना पड़ता है, फिर भी बहुत ही कम लोग अधिक श्रम के बाद भी पर्याप्त प्रतिफल प्राप्त कर पाते हैं, यानी कि जितना मेहनत करें उतना लाभ प्राप्त कर पाते हैं। व्यक्ति को कुछ कामों में तो सफलता मिल जाती है, लेकिन कुछ कामों में असफलता का मुंह भी देखना पड़ता है। यदि आप सफलता का प्रतिशत बढ़ाना चाहते हैं तो हम आपको चाणक्य द्वारा बताई गई नीति बताने जा रहे हैं। इस नीति का ध्यान रखेंगे तो आपको अधिकतर कार्यों में सफलता मिल सकती है। हम जब ज्यादा कर्मों में सफल होंगे तो धन संबंधी लाभ भी मिलेगा और इस प्रकार से धन को संचित भी कर सकेंगे। क्या कहते हैं चाणक्य? आचार्य चाणक्य चतुर्थ अध्याय के 18वें श्लोक में कहते हैं कि कार्यों में सफलता पाने के लिए 6 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे कि पहली बात, ये समय कैसा है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वही व्यक्ति समझदार और सफल है जिसे इस प्रश्न का उत्तर हमेशा मालूम रहता है। समझदार व्यक्ति जानता है कि वर्तमान समय कैसा चल रहा है, अभी सुख के दिन है या दुख के, इसी के आधार पर वह कार्य करता है। यदि सुख के दिन है तो अच्छे कार्य करते रहना चाहिए और यदि दुख के दिन है तो अच्छे कामों के साथ धैर्य बनाए रखना चाहिए। दुख के दिनों में धैर्य खोने पर अनर्थ हो सकता है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, हमारे मित्र कौन कौन है। हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमारे सच्चे मित्र कौन कौन से हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि सच्चे मित्र की परख कैसे करें तो अभी कुछ ही दिन पहले हमने इसी चैनल पर वीडियो बनाया था, सच्चे मित्र की परख कैसे करें, चाणक्य नीति से ही। आप वो वीडियो जरूर देखें, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको आचार्य चाणक्य नीति नाम से कंप्लीट वीडियो मिलेगा, संपूर्ण चाणक्य नीति के नाम से उसमें वीडियो पड़े हुए हैं, जरूर देखिए। मित्रों के वेश में शत्रु भी होते हैं और इसे पहचानना बहुत जरूरी है। शत्रुओं को तो हम जानते हैं और उनसे बचते हुए ही कार्य करते हैं, लेकिन मित्रों के वेश में छिपे हुए शत्रु को पहचानना बहुत जरूरी है। यदि मित्रों में छिपे हुए शत्रु को नहीं पहचान पाएंगे तो कार्यों में असफलता ही मिलनी तय है हमें। ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए हमेशा ही। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि सच्चे मित्र हमारे कौन हैं, क्योंकि सच्चे मित्रों की मदद लेने पर ही सफलता मिल सकती है। यदि गलती से मित्र बने हुए शत्रु से मदद मांग ली तो पूरी मेहनत पर पानी फिरने की संभावना सबसे ज्यादा है। तीसरी बात, ये देश कैसा है। यह देश कैसा है यानी जहाँ हम काम करते हैं वह स्थान, शहर और वहाँ के हालात कैसे हैं, कार्यस्थल पर काम करने वाले लोग कैसे हैं, इन बातों का ध्यान रखते हुए काम करेंगे तो सफल होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो मुश्किलें आपके बढ़ जाएंगी और सफलता दूर चलती जाएगी। चौथी बात, हमारी आय और व्यय की सही जानकारी हमें होनी चाहिए। समझदार इंसान वही है जो अपनी आय और व्यय की सही जानकारी रखता है। व्यक्ति को अपनी आय देख करके ही व्यय करना चाहिए। जो लोग आय से अधिक खर्च करते हैं वो परेशानियों में अवश्य फंसते हैं, इसीलिए धन संबंधी सुख पाने के लिए कभी भी आय से अधिक व्यय नहीं करना चाहिए। आय से कम खर्च करेंगे तो थोड़ा ही पर धन संचय आप कर सकेंगे। पांचवी बात, मैं किसके अधीन हूँ ये समझना भी बहुत जरूरी है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा प्रबंधक, कंपनी, संस्थान या बॉस हमसे क्या चाहता है। हम ठीक वैसे ही काम करें जिससे कि संस्थान को लाभ मिलता रहे। यदि संस्थान को लाभ होगा तो कर्मचारी को भी लाभ मिलना संभव है। इसकी संभावना सबसे ज्यादा है कि संस्थान को लाभ होगा तो कर्मचारी को भी लाभ मिलेगा, एटलीस्ट आपकी जॉब पर कभी खतरा नहीं आएगा। और आखिर बात, मुझ में कितनी शक्ति है। जी हाँ, अंतिम बात, सबसे जरूरी बात है ये, हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। वही काम हाथ में हमें लेना चाहिए जिसे हम पूरा करने का सामर्थ्य रखते हैं। यदि शक्ति से अधिक काम हम हाथ में ले लेंगे तो असफल होना तय है। ऐसी परिस्थिति में कार्यस्थल और समाज में हमारी छवि पर बुरा असर होगा, आगे से हमें सही काम नहीं मिलेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अपनी क्षमता का आकलन करें और उसके अंदर में रह करके ही
अपने हाथ में काम लें, नहीं तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि आपके जीवन के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। ऐसी ही नई वीडियो के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फैमिली मेंबर्स, दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी वीडियो मिल सके। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, विदा लेते हैं आज के इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।